एंड वेलकम गाइज, मेरा नाम तस्वीर, इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने वाला हूँ विक्रांत गुप्ता एंड इंडियन मीडिया का क्या सरप्राइजिंग रिएक्शन रहा था जब पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। वर्ल्ड कप जो है इंडिया में होगा, वर्ल्ड कप 2023 50-50 इंडिया में होगा। तो जब इंडिया का एशिया कप में पाकिस्तान जाना कैंसिल हो गया, कहीं और शिफ्ट हो गए, इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेले जाएंगे, तो पाकिस्तान ने भी ये अनाउंस किया हुआ है, तो इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन है उस पर वो देखेंगे हम। ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार, जिस कंट्री में जो चीज़ हो रही है उसमें सारी कंट्रीज़ जाएं, इंडिया के इंक्लूडेड, पाकिस्तान के इंक्लूडेड, मेरे हिसाब से। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं पहले, लेट्स स्टार्ट इट नाउ। सामने क्रम पाकिस्तान और भारत में एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर तनाजा शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है और उसमें अब दोनों ममालिक का मीडिया भी बकायदा कूद पड़ा है। हमने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान के इस ऐलान के बाद कि अगर भारत को पाकिस्तान आने के लिए एशिया कप में न्यूट्रल वेन्यू चाहिए तो कोई हर्ज नहीं, हम न्यूट्रल वेन्यू देने को तैयार हैं, लेकिन उसके बदले पाकिस्तान भारत भी नहीं जाएगा, उसे भी न्यूट्रल वेन्यू ही चाहिए। जिस तरह भारत पाकिस्तान नहीं आ सकता सियासी वजूहात की बिना पर, बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा सियासी वजूहात की बिना पर। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई और साथ ही ये बात पता चली कि इसमें आईसीसी की भी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, उस पर हमारे पड़ोस में चंद मीडिया हलकों की तकलीफ है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले तो पाकिस्तान को डराने धमकाने की बात की गई, गुस्से का इजहार किया गया, धमकियां तक लगाई गई कि तुम अकेले पड़ जाओगे, लेकिन अब जब उससे बात नहीं बनी तो बात आन पहुंची है पाकिस्तानियों को मक्खन लगाने की, उनकी तारीफें करने की और उन्हें बेनिफिट दिखा दिखा कर भारत लाने की कोशिश होने लग चुकी है। आगे चलकर आपको यही सब कुछ वीडियो भी दिखाएंगे जिसे देखकर आप काफी महसूस होंगे, लेकिन आपको ये बताते चलें कि अभी कोई भी फाइनल वर्डिक्ट आईसीसी की तरफ से इस सारे मामले में नहीं आया, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट रिफ्यूज करना पाकिस्तान को भी काफी पड़ सकता है अगर भारत या आईसीसी न्यूट्रल वेन्यू में पाकिस्तान के मैच करवाने को नहीं मानते। विक्रांत गुप्ता जो एक अच्छे सहाफी हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, वो भी इस सारे मामले में काफी बिफरे दिखाई दिए जब से पाकिस्तान से ये खबरें पड़ोसी मुल्क जाने लगी हैं कि भारत में पाकिस्तान नहीं जाएगा न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा, क्योंकि इसके रिपरकशन पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को रेवेन्यू की सूरत में भी हो सकता है, मैचेस का मजा नहीं रहेगा, ऑडियंस की वो तवज्जो जो पाकिस्तान की मौजूदगी की वजह से होती है वो नहीं रहेगी, तो फिर ना स्पॉन्सर्स आएंगे और ना ही ब्रॉडकास्टर्स का वो वाला जोश होगा जो हमेशा वर्ल्ड कप्स में होता है। अब किसी भी नेशन में कोई वर्ल्ड कप हो, कोई बड़ा इवेंट हो, तो उसे कामयाब करवाने के लिए हुकूमत भी सर तोड़ कोशिश करती है, मीडिया भी करता है, और जिस बोर्ड को वो टूर्नामेंट मिला होता है उसकी भी यही कोशिश होती है कि पैसा चाहे जितना लगता है लेकिन कामयाब इस टूर्नामेंट को जरूर होना चाहिए, और अगर पाकिस्तान भारत नहीं जाता तो एक नाकाबिले तलाफी नुकसान भारत को पहुंचेगा, और ना सिर्फ भारत को पहुंचेगा बल्कि क्रिकेट को भी पहुंचेगा। इसलिए पाकिस्तान ने पहले ही अपने तई ये कोशिश की थी कि किसी तरह मसला सॉर्ट आउट हो जाए एशिया कप से ही, लेकिन भारत अपनी जिद पर अड़ा रहा और अब उसका अल्टीमेटली नुकसान ये हो रहा है कि दोनों अतराफ एशिया कप और वर्ल्ड कप स्टेक पर लगे हुए हैं। सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह पाकिस्तानियों की अब तारीफें, उन्हें मक्खन लगाया जा रहा है कि हम तुम्हें सर आंखों पर बिठाएंगे, तुम आओ भारत। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है ब्रेकिंग न्यूज, आपने कई जगह देखा होगा, कई जगह सुना भी होगा, ये एक स्टेटमेंट आई है जो ये कह रही है कि चूंकि हाइब्रिड मॉडल होगा एशिया कप का, तो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जो कि हिंदुस्तान में होना है उसके मैच इंडिया में नहीं खेलेगी, उसके मैच कहां खेलेगी, बांग्लादेश में। ये किसने बोला है ये आप जरा तफसील दीजिए, फिर उसके बाद हम इनको सही खबर बताते हैं। ये आ रही है खबर कि जो इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस वर्ल्ड कप वाले में, क्योंकि एक चर्चा लगातार चल रही है कि भाई कि एशिया कप इंडिया की तरफ से मना कर दिया था कि भाई उस तरीके से वहां पर ट्रेवल एक इशू रहेगा, गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होता है सारी तमाम चीजें, तो देन पीसीबी की तरफ से ये आए थे बयान कि भाई आप एशिया कप नहीं आओगे तो हम वर्ल्ड कप नहीं आएंगे। फिर ये आई खबर कुछ दिनों पहले कि एशिया कप होगा कि बट इंडिया के मैचेस जो होंगे वो एक अदर न्यूट्रल पिक किया जाएगा, उसमें अलग अलग ऑप्शन है हाइब्रिड मॉडल, हाँ, कि वो आप इंडिया पाकिस्तान में होगा, इंडिया के मैच कहीं और होंगे, और अगर इंडिया फाइनल पहुंचता है तो भी बाकी टीमें वही आके खेलेंगी। तो अब लेटेस्ट यही आ रहा है कि भाई वहां से जो खबर आई वो ये थी कि भाई कि इंडिया जो पाकिस्तान मैचेस खेलेगी वर्ल्ड कप वाले वो जाकर खेलेगी बांग्लादेश में, वो इंडिया में नहीं खेलेंगे। 9 मैच जो पाकिस्तान ने अपने लीग के खेलने हैं वो बांग्लादेश में होंगे, मतलब वर्ल्ड कप का होस्ट ये कह रहे हैं कि इंडिया ही रहेगा, लेकिन मजा नहीं, इंडिया फिर सब होस्ट बनाएगा बांग्लादेश को और कहेगा जी आप 9 मैचेस वहां पे होस्ट कीजिए। हालांकि वसीम खान ने ये बोला है जो अब इस वक्त आईसीसी में जुड़े हुए हैं और किसी जमाने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ थे,
तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो एशिया कप की भी बात हुई थी हाइब्रिड मॉडल की, वो भी मुझे होता नहीं दिख रहा है। जो खबरें हैं उसके मुताबिक मनोज, बांग्लादेश और श्रीलंका ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एशिया कप एक वेन्यू में होगा, हम बार बार ऐसा नहीं कर सकते कि जी एक मैच हमारा पाकिस्तान में हो और इंडिया को खेलने के लिए हम कहीं और जाएं और बार बार इधर उधर हो, वो उन्होंने मना कर दिया है। लेकिन ये स्टेलमेट अभी चल रहा है, मोस्ट लाइकली एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में नहीं होगा, वो आपको न्यूट्रल कंट्री में ही दिखेगा, मोस्ट लाइकली यूएई में ही दिखेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यू हैव टू अपील टू योर ऑडियंस, शिफ्ट कर देंगे। अब जो आज खबर आई है, हालांकि ये चौंकाने वाली खबर थी कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के अपने मैच यहाँ नहीं खेलेगा, बांग्लादेश में खेलेगा, वो इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि बीसीसीआई होस्ट है, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान कैनॉट रिफ्यूज। एट द सेम टाइम मैं ये भी आपको बता दूं कि बीसीसीआई, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है, जयशाह, जो बीसीसीआई की सेक्रेटरी है, और आई थिंक वो इस बात को समझते हैं कि एशिया कप की सफलता या एशिया कप का जो वजूद है वो इंडिया और पाकिस्तान से ही बनता है। तो कल को अगर इस तरह के हालात आ जाए कि पाकिस्तान का हम नहीं खेलते एशिया कप, तो एशिया कप भी गिरता है, तो वो इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो वहां पर जरूर एक फॉर्मूला वर्कआउट किया जा रहा है, और हालांकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मना लिया जाएगा, क्योंकि उनको जो होस्टिंग राइट्स हैं, जो पैसे हैं, वो उनको मिलेंगे। यूएई में अगर हो जाता है तो उसके बाद वो वहीं पर एशिया कप होगा, वर्ल्ड कप की पैसे आप मुझे बताइए, बीसीसीआई आज झुक गया तो भाई वर्ल्ड क्रिकेट तो बिल्कुल पलट गई, बिल्कुल। और पाकिस्तान के मैच जो है इंडिया में होने की बजाय बांग्लादेश में होंगे, गेट मनी किसके पास जाएगा, तो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा, तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। प्लस पाकिस्तान जो मर्जी कहिए आप, इंडिया में जब वर्ल्ड कप खेलने आएगा तो इनके प्लेयरों को सर आंखों पर बिठाया भी जाता है, दे आर स्टार अट्रैक्शन, और पाकिस्तान एक बड़ा कंटेंडर रहेगा वर्ल्ड कप में। ऐसा नहीं है, जब आप कहेंगे कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो पाकिस्तान एक बड़ा कंटेंडर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि जिस तरीके का फॉर्मेट है, सेमीफाइनल एंड देन उसके बाद आपके दो अच्छे गेम्स, और पनीर का टुकड़ा वो है 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी। अगर सपोज कीजिए जो खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं, अगर ये खबरें सही हैं, तो फिर पाकिस्तान भूल जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी, फिर उनके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगा। इन्होंने 2018 दुबई में कराया, तो इस लिहाज से मुझे लगता है पाकिस्तान को भी इस साल यूएई ही जाना पड़ेगा। और जहां तक वर्ल्ड कप की बात है, आप जरा इमेजिन कीजिए, मैंने भी ये पढ़ा, मैं भी हैरान हुआ, ये इमेजिन कीजिए ये बयान कहां से आया, क्या ये आईसीसी चीफ ने दिया है, क्या ये बयान ना किसी इस तरह के अथॉरिटी से आया है जहां पर यू वुड वांट टू बिलीव इट। ये उसमें लिखा है कि ये कंसिडर किया गया था, और इसलिए पाकिस्तान इंडिया ही आएगा, वर्ल्ड कप के मैच इंडिया में ही खेलेगा, क्योंकि वो भी जानता है कि बात करना एक बात है, प्रपोजल पे प्रपोजल देना दूसरी बात है, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट यू कैनॉट। अगर इंडिया ने ऐसा किया है, पहले जाने को मना किया है तो एशिया कप के लिए, तो पाकिस्तान ने किया है दोबारा से कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे इंडिया में आकर, और ये बहुत ही अजीब तरीके की चीज़ें हैं। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा कि इंडिया के मैचेस कहीं बाहर होंगे, बांग्लादेश वगैरह में, या फिर पाकिस्तान के बांग्लादेश में होंगे, बाकी मैचेस पाकिस्तान के पाकिस्तान में होंगे, एशिया कप के वर्ल्ड कप के इंडिया में ही होंगे, और ये दोनों टीमें जो हैं अपने अपने मैचेस बाहर खेलेंगी। सो ऐसा नहीं हो सकता, बहुत लफड़ा पड़ जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको पैसा दिया जाए कि आप होस्ट करने का पैसा लो, रख लो, और होस्टिंग कहीं और करवाओ, जैसे कि बांग्लादेश में किसी और कंट्री में होस्टिंग करवाई जाएगी सारे पूरे पूरे इवेंट की, पूरे एशिया कप की, पूरे वर्ल्ड कप की, तो ऐसा हो सकता है। दूसरी जगह इंडियन मीडिया ये भी कह रहा है कि यार पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकता है अगर रिफ्यूज़ करेगी, तो बातें करना अपनी अलग बात है। बहुत तगड़े ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ अनाउंसमेंट हो रहे हैं ये कि अगर इंडिया नहीं जाएगा तो पाकिस्तान भी नहीं आएगा, और ऐसा होना भी चाहिए। देखो, एक जगह से आपकी मना किया जा रहा है, अगर रेपुटेशन का भी सवाल आ जाता है, सिक्योरिटी रीजंस होंगे, अपने अपनी जगह पर रीजंस दिए होंगे इंडिया ने भी कि हम इस वजह से नहीं आना चाहते हैं, बाकी कंट्रीज़ आ सकती हैं, इंडिया नहीं आ सकता। और मुझे लगता है, अगर पर्सनली मैं देखूं तो मैं चाहता हूं, एक आम आदमी, आम इंसान भी यही चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान जाए खेले, पाकिस्तान इंडिया आए और खेले, और वो चीज़ देखने की बात ही अलग होगी, मज़ा ही अलग होगा यार। हालांकि सब जानते हैं कि विराट कोहली के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं,
बाकी खिलाड़ियों के भी हैं, सूर्य कुमार वगैरह के, पाकिस्तान में के बाबर आजम के इंडिया में बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं। मुझे समझ में नहीं आती यार, इतने बड़े इवेंट, इतनी बढ़िया इवेंट इंडिया पाकिस्तान के अलावा अधूरे हैं, इनकी होस्टिंग के बिना अधूरे हैं यार। कहते हो इस बारे में यार, कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करता हूँ मैं इस वीडियो को, सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।